नहीं लेगा। बृहस्पति ने कहा कोई साधना करे, कोई तपस्या करे, कोई सत्कर्म करे, उसमें सहयोग करना चाहिए, कोई भी हो। और सहयोग नहीं हो सके तो कोई बात नहीं, पर विरोध कभी नहीं करना है, नहीं तो समझ लेना आप अपना जीवन खराब कर रहे हैं। भगवान का काम कोई रोक सकता है? एक तो आप निमित्त मात्र हो शुरू करना, कराने वाला कोई और है, करने वाला कोई और है, पूर्णाहुति स्वामी हरिराम दास जी का यज्ञ है, इसको कोई शक्ति रोक सकती है? फिर भी इंद्र माना, इंद्र ने कहा आप जाओ जाओ, और बृहस्पति पोपट बन के, पोपट सुखा, और जहां हिरण्यकश्यपु बैठा था ना साधना करने के लिए, ऊपर वृक्ष में बैठा पोपट सुखा, उसने कहा नारायण नारायण। हिरण्यकश्यपु ने भाई तो मेरे शत्रु का नाम है, इसी को तो मुझे मारना है, और इसी का मुहूर्त में नाम आ गया। दोबारा पोपट ने कहा नारायण नारायण। हिरण्यकश्यपु ने कहा आज का दिन अच्छा नहीं है, और सवेरे गया, सायंकाल लौट आया, सायंकाल वापस, कयाधु ने बड़ा सुंदर, कयाधु ने सुंदर आरती उतारा, फूलों की माला पहनाई, और कयाधु ने कहा आज मेरे पति भगवान से मिल के आए हैं। अभी कितना मिला उसको मालूम है, आंख बंद किया और लौट आए। कयाधु ने भोजन प्रसाद खिलाया और शयन कक्ष में गई है, और कयाधु ने कहा स्वामी, बोले हाँ, बोले आप गए थे भगवान से मिलने तो भगवान मिल गए, इतना जल्दी? सवेरे गए सायंकाल लौट आए। हिरण्यकश्यपु ने कहा हाँ मैं गया ना, इतने में पोपट आ गया और उसने कहा नारायण नारायण, तो मुझे लगा कि मेरा दिन खराब हो गया। कयाधु विचार करने लगी पापी के मुख से कभी भगवान का नाम निकलता नहीं, युक्ति प्रयुक्ति करके क्या बात करते, कभी पोपट बोला कभी सुखा बोलता है, क्या बोला कैसे बोला? और कयाधु पूछती रही और हिरण्यकश्यपु नारायण नारायण बताते 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 108 बार भगवान का नाम ले। इसलिए पत्नियों का नाम है धर्म पत्नी, स्वयं का उद्धार करती है और पूरे परिवार का कल्याण करती है। देखना दुनिया के व्रत नियम संभाताओं बहनों के लिए है, कोई व्रत पुरुष के लिए है, पुरुष कोई व्रत करता है कि हमारी पत्नी की अवस्था बढ़ जाए, बुद्धि बढ़ जाए, आयुष बढ़ जाए, सब जितने भी हरिकाल का चीज है, करवा चौथ चीज है, सब माताओं बहनों की, क्यों? वो धर्म, धर्म का आधार है। और पत्नी मनोरमांते ही मनोवृत्तानुसारणी तारिणी दूर संसार सागर सकलोद्भव। युक्ति प्रयुक्ति करके हिरण्यकश्यपु से श्रीमद नारायण 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 श्रीमद नारायण नारायण लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण नारायण श्रीमद Narayan 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 Narayan
भगवान का नाम उच्चारण कराया और उसी समय प्रहलाद जी का प्रादुर्भाव हुआ है। प्रहलाद जी प्रादुर्भाव हुआ, प्रातः काल हिरण्यकश्यप गया, बोले कहा साधना करने के लिए। मदिराचल पर्वत में बैठा एक आसन में ब्रह्मा जी की उपासना करने लगा। अपने दो घंटा दो घंटा में बैठे तो बड़ा कठिन है, राक्षसों की साधना बड़ा है। राक्षस पर इतनी तपस्या किए, भगवान को मजबूर होकर के वरदान देना पड़ा। ब्रह्मा जी आए, ब्रह्मा जी ने कहा वरदान मांगो, वरदान मांगो। हिरण्यकश्यप ने कहा मुझे अजर अमर बना दो। ब्रह्मा जी ने कहा मैं भी अजर अमर नहीं हूं। ब्रह्मा जी की भी मृत्यु है पर कई कल्पों के बाद ब्रह्मा भी बदलते, पद का नाम इंद्र भी बदलते, मात्र नारायण सप्त सात हमेशा विराजमान, बाकी सबका पुनर्जन्म होता है, रूप बदलते हैं, स्वभाव बदलते हैं। ब्रह्मा जी ने कहा मैं भी अजर अमर नहीं हूं, दूसरा वरदान मांग। हिरण्यकश्यप बोला पहले पेपर लाओ पेन लाओ। हिरण्यकश्यप को लिखा दिन में ना मरूं, रात्रि में ना मरूं, अस्त्र से ना मरूं, शस्त्र से ना मरूं, घर के अंदर ना मरूं, घर के बाहर ना मरूं। ब्रह्मा जी ने कहा ये भी तो लिख कि मरेगा कैसे। उसने कहा नहीं लिखूंगा। अंत में लिखा ब्रह्मा जी ने जिसको जिसको बनाया हो उससे हमारी मृत्यु हो नहीं। अभी हिरण्यकश्यप को कोबरा सांप काटे ना तो मरेगा नहीं, क्योंकि कोबरा सांप को ब्रह्मा जी ने बनाया। और ब्रह्मा जी से कहा इसमें दस्तखत करो, साइन करो। ब्रह्मा जी ने स्टैंप लगाया, दस्तखत किया, पेपर लिया और ब्रह्मा जी को बोला जाओ। फिर ना नमस्कार किया ना प्रणाम किया, काम निकल गया तो पहचानते नहीं। और हिरण्यकश्यप आया अपने राज्य में। उस समय प्रहलाद जी 6 वर्ष के थे। इससे एक बात सिद्ध होती है कि हिरण्यकश्यप 6 वर्ष साधना किया, उसको बड़ी खुशी हुई कि चलो मेरा बेटा हो गया 6 वर्ष का, अब मेरी मदद करेगा। उसने विद्यालय चलाया, कहे के लिए राक्षसी विद्या पढ़ाने के लिए। और शुक्राचार्य के जो दो बेटे थे संडर्मक, उनको वहां को गुरु जी बना दिया, ऋषभ को राक्षसी विद्या पढ़ाओ। पहले भी आतंकवाद का विद्यालय था, आज भी कई देशों में चल रहा है, उनका यही काम है। लड़ाई झगड़ा कलह विवाह मारपीट हत्या लूट पाट, जहां आए थे हरि भजन को डर लगे कपास। प्रकृति का नियम है सुख दुख साथ में रहना, सत्य असत्य साथ में रहेंगे, पाप और पुण्य साथ में रहेंगे, न्याय अन्याय साथ में रहेगा। कभी किसी की मात्रा ज्यादा होगी तो कभी किसी की कम होगी। प्रहलाद जी को विद्यालय में पढ़ने भेजा, 4-5 महीना हो गया। हिरण्यकश्यप ने विचार किया चलो प्रहलाद जी को बुलाओ। प्रहलाद जी ने कुछ पढ़ा, प्रहलाद जी ने कहा हाँ पिताजी मैंने पढ़ा है। बोले क्या पढ़े हो? बोले श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दासम साध्यम आत्मनिवेदनम। हे पिताजी
भगवान नारायण को प्राप्त करने के लिए नौ प्रकार की भक्ति है। ये जो आप काम कर रहे हो इससे जीवन बर्बाद होगा। इतने में हिरण्यकश्यप को लाल हुआ, उसने तलवार निकाला है। गुरु जी को बोला इसको कौन पढ़ाया इसे? गुरु जी ने कान पकड़ा, नमन प्रणीतम न पर प्रणीतम, ये श्लोक मुझे भी नहीं आता, कहां से बोल दिया। हिरण्यकश्यप ने कहा इसको ले जाओ, मदिरा पान कराओ, नशा कराओ, इसको सब भुला दो। गुरु जी लेके गए प्रहलाद जी को। प्रहलाद जी से गुरु जी ने पूछा ये तुम्हें कौन सिखलाया, ये तुम्हें कहां से आया? प्रहलाद ने कहा पिताजी ये सब मेरे जब माँ के गर्भ में था तो नारद जी आ रहे थे और मुझे सत्संग सुनाते थे, संत महात्माओं की हमारी माँ सेवा करती थी। सेवा में दो भले एक संत एक राम। प्रहलाद जी राक्षस के बेटे हैं पर सत्संग का प्रभाव देखो। वो अपने गुरु जी को समझा रहे हैं कि गुरु जी सेवा में दो भले एक संत एक राम। तो की सेवा कर कोई सतगुरु मिल जाए या भगवान राम मिल जाए उससे क्या होगा? राम दाता मुक्ति का। अगर राम मिल गए तो यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धामं परमं मम। किसी ने पूछा कि राम कैसे मिलेंगे? संत जपावे राम। संत मिल गए, सतगुरु मिल गए तो बोलेंगे भगवान का जप कर जप कर जप कर। जब 10 बार कहेंगे तो 2 बार बोलोगे कि नहीं? अपने बारंबार कहते बोलो बोलो जोर से बोलो, ताली बजा के बोलो, ले उससे मुझे क्या फायदा नुकसान है? पर हमारा काम है, परमात्मा ने मुझे भेजा है कि जाओ सबको नाम बुलवाओ। जैसे आप चुनाव करते हो ना, वोट देते हो, तुम विधायक बन जाओ, तुम सांसद बन जाओ, तुम ये बन जाओ, वोट आपकी, राजा वो बनता है, पावर आपके हाथ में है। उसी प्रकार हम लोगों को परमात्मा ने वोट दे के भेजा है। वक्ता कोई स्कूल में नहीं बनते, ये प्राकृतिक चीज है। तो सेवा में दो भले एक संत एक राम, राम दाता मुक्ति का संत जपावे राम। श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम। सब कोई बोले मुझे तो जेल में डाल देगा, हमारी नौकरी खत्म, हमारी सैलरी बंद। प्रहलाद जी ने कहा गुरु जी ये पेड़ पौधों को कौन पानी देता है? जंगल में पशु पक्षी जीव जंतु हैं, उनको कौन खिलाता है कौन पिलाता है? जो संसार को चलाता है संसार को खिलाता है वही परमात्मा हमें और आपको खिलाएगा, जीवित रखेगा, उसकी आप चिंता नहीं करो। प्रहलाद जी ने कहा कि हमारी माँ को नारद किया करके कथा सत्संग परोपकार सेवा नाम संकीर्तन ये सब सिखा दी। मैं गर्भ में था तो
तो मैं भी सीख गया। जिस प्रकार घर का आचरण होगा, घर का वातावरण होगा, वैसे ही बच्चों का निर्माण होगा। ध्यान रखना, जैसे माता पिता के विचार होंगे उसी प्रकार का गुण बच्चों में आएगा। फिर अपने बाद में रोए, मेरा बच्चा खराब है, मेरा बच्चा सुनता नहीं है। बच्चे की गलती नहीं, अपनी गलती है। और फिर रोने से कोई फायदा नहीं, खेत को चिड़िया चुन गई तो फिर पछताने से क्या फायदा। इसलिए अभी से सतर्क हो जाओ, दूसरों को बताओ। माँ तो जननी है, एक कुम्हार होता ना मिट्टी का जो बर्तन बनाता है, वास्तव में पहले मिट्टी रहती है, फिर उसको अपने हाथों से आकार देता। छोटा मटका, बड़ा मटका, दीपक बनाना, एक अरवा बनाना, दीप बनाना, मटका बनाना, उसी प्रकार जो छोटे बच्चे हैं वो तो मिट्टी है, उसको कैसे साजना है, कैसे ढालना है, ये माताओं के हाथ। हमने पहले ध्यान नहीं दिया, हम पहले सावधान नहीं रहे, परिणाम अब हमें वृद्धाश्रम में जाना पड़ रहा है। अगर बच्चे संस्कारी हैं तो सबसे ज्यादा फायदा माता पिता को है। उसके बाद हिरण्यकश्यप ने फिर प्रहलाद जी को बुलाया। प्रहलाद जी आप भूल गए? बोले हाँ पिताजी भूल गया। बोले पहले वाला नहीं बोला? बोले नहीं बोलूंगा, दूसरा बोलूंगा। हिरण्यकश्यप ने कहा प्रहलाद जी आप क्या पढ़े हो? प्रहलाद जी ने कहा पिताजी संसार के सब रिश्ते झूठे, ना कोई माई, ना बाप, ना भाई, ना बंधु, ना बहन, ना पति, ना पत्नी, ना बेटा, ना घर, ना परिवार, ना कुटुंब, एक सच्चा भक्त और भगवान का रिश्ता है। इसलिए पिताजी संसार का छोड़ो, भगवान से नाता जोड़ो। हिरण्यकश्यप तो लाल हुआ। हिरण्यकश्यप ने कहा सैनिकों को इसको जाकर के पहाड़ से नीचे फेंक दो, यही मेरा शत्रु है, यही नारायण है, नारायण ही मेरा बेटा बन के आ गया। सैनिक प्रहलाद जी को ले गए, पर्वत के ऊपर से फेंक दिए। प्रहलाद जी आंख बंद करके श्रीमद् नारायण 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 श्रीमद्।